हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट हम लोग पार्ट्स ऑफ सेल कर रहे थे चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में. ओके सो हमने अपने फोर पार्ट्स देख लिए थे. कौन कौन सा? एक सेल मेम्ब्रेन, एक हमने सेल मेम्ब्रेन देखा था क्या होता है. ओके सेकेंड बच्चे हमने क्या देखा था? सेकेंड हमने देखा था साइटोप्लाज्म. थर्ड हमने देखा था न्यूक्लियस. एंड फोर्थ हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया क्लियर? आई होप आपको ये फोर के फोर जो है वो क्लियर हो गए होंगे कल. आज हम नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट कौन से पार्ट्स हैं? चलिए बच्चे जो फिफ्थ पार्ट है आपका वो है आपका सेल वॉल. ओके फिफ्थ पार्ट कौन से? आपका सेल वॉल. अब आपने देखा कि जो आपका सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो है बच्चे वो आपका किसमें प्रेजेंट होता है? सेल मेम्ब्रेन आपका प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है. ठीक है. बट जो सेल वॉल है वो सिर्फ और सिर्फ आपका किस में प्रेजेंट होगा? प्लांट सेल में. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है कि जो आपका सेल वॉल है ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा. ओके एंड सेल वॉल होता क्या है बच्चे? ये द प्लांट सेल हैव अ थिक सेल वॉल अराउंड देम आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. कि अगर ये एक आपका सेल मेम्ब्रेन है. ओके अगर ये आपका एक सेल मेम्ब्रेन है बच्चे तो इसके आउटसाइड में एक आपका थिक सेल की लेयर होगी. उसको आप क्या बोलोगे? सेल वॉल. ठीक है. इसके आउटसाइड में क्या होगी? एक लेयर होगी. इसके आउटसाइड में एक थिक वॉल टाइप होगी, सेल वॉल. उसको क्या बोलोगे आप? सेल वॉल. ठीक है. जो क्या करेगा अब बच्चे, जो सेल वॉल होगी वो एक टफ मटेरियल के साथ बनी होती है जिसको आप बोलते हो सेल्यूलोज. ठीक है. कि सेल वॉल जो है एक टफ मटेरियल से बनी होती है जिसको आप सेल्यूलोज कहते हो. एंड सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या है बच्चे? कि ये एक पर्टिकुलर शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट सेल को. ठीक है. आपने लिखना है गिव्स शेप, गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू दी प्लांट सेल एंड सपोर्ट टू दी प्लांट सेल. ओके कि जो आपका सेल वॉल है इसका क्या काम है बच्चे? कि ये एक शेप प्रोवाइड करता है सेल को एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है आपके प्लांट सेल को. ठीक है. तो बच्चे सेल वॉल क्या करता है? आपके जो प्लांट सेल्स होते हैं उन सबको एक साथ होल्ड करके रखता है. और क्या करता है बच्चे? ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है. ठीक है. इन सबको जो प्लांट्स के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनको क्या करके रखता है? होल्ड करके रखता है और उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है. क्योंकि आपको पता है कि जब विंड चलती है, हवा चलती है जोर से, तो उन सेल्स को प्रोटेक्शन कौन करता है? सेल वॉल. ठीक है. तो विंड से भी ये क्या करता है? हाई विंड स्पीड से प्रोटेक्शन करता है प्लांट्स को. एंड जब टेम्परेचर में वेरिएशन आती हैं, फिर एटमोस्फेरिक मॉइस्चर वगैरह, उन सब से कौन प्रोटेक्ट करता है? उन सब से आपका जो सेल वॉल है बच्चे वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. सो आपको पता है कि प्लांट्स जो हैं वो अगर एक ही जगह पे लगे होंगे तो वहीं पे फिक्स्ड होंगे. ठीक है. प्लांट्स क्या होते हैं आपके? कि एक ही स्पेस. एक सेकेंड जी. अब देखिए कि जो आपके प्लांट्स हैं बच्चे वो क्या हैं? एक ही स्पेस पे फिक्स्ड रहते हैं. ठीक है. एक ही स्पेस होगी उनकी कि वो कहीं पे मूव नहीं कर सकते. जब वो एक ही प्लेस पे फिक्स्ड होंगे तो दे कैन नॉट मूव टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम वेरियस चेंजेस इन देयर सराउंडिंग. ठीक है. तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो थोड़ी ना एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे. तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होती है आपकी सेल वॉल. ठीक है. ये क्या करती है? उनको प्रोटेक्ट करती है.
सेल्फ वॉल, आपने एक पॉइंट नोट ये करना है कि सेल्फ वॉल आपकी सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में. ओके, सो सेल्फ वॉल इज नॉट देयर इन एनिमल सेल एंड द सेल्फ वॉल इज एन नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द प्लांट सेल. ओके, कि जो आपकी सेल वॉल है ये एक नॉन लिविंग पार्ट है. इसको क्या बोलेंगे? नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द प्लांट सेल. राइट, क्लियर है यहाँ तक आपको सेल वॉल का? नेक्स्ट देखते हैं अपना, नेक्स्ट पार्ट कौन सा है आपका सेल का? चलिए अब नेक्स्ट बच्चे आपका कौन सा है? नेक्स्ट है आपका क्लोरोप्लास्ट. ओके, नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट आपका जो बच्चे पार्ट है वो क्या रहेगा? वो रहेगा क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, अब जो क्लोरोप्लास्ट है बच्चे वो है क्या, मैंने आपको बोला था कि टाइनी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, उनको कहते हैं ऑर्गेनिल्स. ठीक है, ऑर्गेनिल्स कहते हैं. तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक ग्रीन कलर का ऑर्गेनिल्स है विच इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल. आपको पता है सबसे पहले आउटर में क्या होगा आपका, अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो वो होगा सेल वॉल. ठीक है, उसके बाद होगा आपका सेल मेम्ब्रेन. क्लियर, सेल मेम्ब्रेन होगा. अब सेल मेम्ब्रेन के बाद आपका क्या आता है बच्चे, जो जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है, कल हमने पढ़ा था, उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म. राइट, अब साइटोप्लाज्म के ही अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ग्रीन कलर का आपका क्या होता है प्रेजेंट? ग्रीन कलर का, अगर मैं यहाँ पे ब्लैक ही दिस शो कर रही हूँ, अगर ग्रीन कलर होता तो मैं आपको यहाँ पे ग्रीन कलर बताती कि इसी आपके जाली लाइक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर या मटेरियल के अंदर आपका ग्रीन कलर की पिगमेंट प्रेजेंट होती है जिसको आप कहते हो क्लोरोप्लास्ट. क्या कहते हो? क्लोरोप्लास्ट. क्लियर, सो ये क्या है आपका बच्चे? क्लोरोप्लास्ट. यस, सो क्लोरोप्लास्ट आर द ग्रीन कलर्ड ऑर्गेनिल्स. ग्रीन कलर्ड ऑर्गेनिल्स, राइट, कि जो आपके क्लोरोप्लास्ट होते हैं बच्चे वो क्या हैं? वो आपके एक ग्रीन कलर के जो ऑर्गेनिल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग बाय प्लांट्स, आपको पता है कि जो क्लोरोप्लास्ट में आपकी फूड मेकिंग प्रोसेस होती है वो किस वजह से होती है, कैसे होती है? वो होती है बाय फोटोसिंथेसिस. फोटो सिंथेसिस, राइट, कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से आपकी फूड मेकिंग प्रोसेस होती है बाय प्लांट्स विच टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट. राइट, एंड द ग्रीन कलर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल इन देम. तो जो आपका ग्रीन कलर होता है किसका? क्लोरोप्लास्ट का, वो किस वजह से होता है? क्योंकि उनमें क्या होती है? ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होती है जिसको आप कहते हो क्लोरोफिल. राइट, और क्लोरोफिल का क्या काम होता है बच्चे, कि क्लोरोफिल क्या करती है कि जो सनलाइट होती है उसको क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है. ठीक है, कि जो उसके अंदर आपकी क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल क्या करती है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है. ठीक है, सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है. एंड क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्या होता है? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एनर्जी वो क्या होता है आपका? कंबाइन होके फूड बनाता है. ठीक है, क्या हुआ? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है आपका क्लोरोफिल. क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को. उसके बाद क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा कि आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन होगा एनर्जी की प्रेजेंस में टू प्रोड्यूस फूड. ठीक है, सच एज ग्लूकोज. एंड दिस प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन मेकिंग ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट्स. ठीक है, कि जो ग्रीन प्लांट से आपको फूड मिलता है या फूड बनता है उसमें, तो वो किस वजह से बनता है? क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से. ओके, सो प्लीज नोट दैट क्लोरो
प्लांट्स आर फाउंड इन दोज प्लांट सेल विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ठीक है, एंड द क्लोरोप्लास्ट विल नॉट फाउंड इन द रूट सेल ऑफ दी प्लांट, के रूट सेल में आपकी प्लांट की जो रूट सेल होती है क्लोरोप्लास्ट उसमें प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, एंड जो ऑर्गेनिल्स कंटेनिंग पिगमेंट होते हैं जो कलर प्रोवाइड करते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, आपके साइटोप्लाज्म में, ठीक है, कि जितने भी कलर्ड पिगमेंटेड ऑर्गेनिल्स होते हैं वो आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बच्चे, और जो प्लास्टिड एंड द प्लास्टिड कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट जिसको आप क्लोरोफिल कहते हो आर आल्सो कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, क्लियर। बच्चे जैसे ग्रीन कलर की पिगमेंट प्रेजेंट होती है लीव्स के लिए उसी तरह प्लास्टिड में और भी बहुत सारे कलर की पिगमेंट्स हो सकती हैं, है ना, जैसे रेड कलर हो गया टोमेटो का, वो किस वजह से होता है, क्योंकि उसमें रेड पिगमेंट प्रेजेंट होती है, किसमें, उनके साइटोप्लाज्म ऑफ दी सेल में, ठीक है, मतलब जो जिस जिस कलर का होगा उस कलर का उनका पिगमेंट जो होगी वो प्रेजेंट होगी, क्लियर। सो यही था आपका क्लोरोप्लास्ट का। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज लार्ज वैक्यूल, ओके, सो योर नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट इज लार्ज वैक्यूल। अब बच्चे देखो, अगर मैं एक ऐसे डायग्राम जैसी बनाऊं, ये आ गया आपका सेल मेम्ब्रेन, ये मैं प्लांट एनिमल सेल की बात कर रही हूँ, सेल मेम्ब्रेन, राइट, सेल मेम्ब्रेन के बाद आपका ये ट्रांसपेरेंट और यू कैन से दैट जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, मटेरियल जिसको आप बोलोगे साइटोप्लाज्म, राइट, उसके बाद आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, बाहर तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अंदर न्यूक्लियस, और उसके बाद न्यूक्लियोलस होंगे, और कुछ इस टाइप का जो मटेरियल मैंने आपको कल भी बताया था वो थे आपके क्रोमोसोम, जैसे क्रोमाटिन, क्रोमाटिन, राइट, ये हो गया न्यूक्लियोट्स, न्यूक्लियोलस, एंड आउटसाइड हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसी के साथ बच्चे यहाँ पे ना कुछ वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, अगर मैं, अब मैं लार्ज वैक्यूल्स की बात कर रही हूँ, तो अगर मैं लार्ज वैक्यूल की बात करूँ तो वो प्रेजेंट होंगे आपके किसमें, एनिमल्स, सॉरी प्लांट सेल में, ठीक है, कि वो कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है, ये हो गया आपका लार्ज वैक्यूल, ओके, ये क्या है आपके लार्ज वैक्यूल। सो अगर हम इसको देखें कि लार्ज वैक्यूल होते क्या बच्चे, एक टाइप की स्पेस होती है किसमें, साइटोप्लाज्म में, ये एक स्पेस होती है साइटोप्लाज्म में विच इज एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन एंड यूजुअली कंटेन सब्सटेंसेस विच इज डिजोल्व इन वाटर, ठीक है, कि लार्ज वैक्यूल क्या होते हैं बच्चे, कि ये किसमें प्रेजेंट होती है, आपके साइटोप्लाज्म के अंदर ही एक स्पेस टाइप होती है और इनमें वो सब्सटेंस होता है जो वाटर में डिजोल्व हो जाता है या फिर हो गया होता है, ठीक है, इनमें कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटर में इजीली डिजोल्व हो गया होता है, ठीक है, तो आप ये एम्प्टी स्पेस माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो, जितने भी आपके प्लांट सेल होंगे उनमें आपका लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होगा, और जो एनिमल सेल्स होते हैं बच्चों उनमें आपका स्मॉल वैक्यूल जो होंगे वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होते हैं स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट, और इसमें है आपका लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट। सो द वैक्यूल किससे फिल्ड हुआ होता है, मैंने आपको कहा कि वो सब्सटेंसेस जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं ये उनमें प्रेजेंट होगा, तो अगर मैं बात करूँ लार्ज वैक्यूल की, तो इसमें क्या होगा कि ये फिल्ड होता है ल्यूकर्ड के साथ जिसको आप बोलते हो सेल सैप, ठीक है, विच कंटेन डिजोल्व शुगर एंड डिजोल्व सॉल्ट्स, क्या होता है इसमें, किसके साथ, कौन से ल्यूकर्ड के साथ फिल्ड होता है ये, डिजोल्व लिक्विड दैट इज शुगर एंड सॉल्ट, ठीक है, डिजोल्व शुगर एंड सॉल्ट,
तो बच्चे इसका मेन फंक्शन क्या है वैक्यूल का, कि ये क्या करता है कि जितने भी आपके सब्सटेंसेस होते हैं उनको क्या करके ये स्टोर करके रखता है, इंक्लूडिंग वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ दी सेल। ठीक है, एक तो लिक्विड जो होता है उनको ये स्टोर करके रखता है, एंड द सेकेंड वन इज कि जो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स रहते हैं किसी प्लांट सेल में या एनिमल सेल में, ये लार्ज वैक्यूल या स्मॉल वैक्यूल्स क्या करते हैं उनको स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन था आपका किसका, वैक्यूल का। तो बच्चे यही थे आपके जो बेसिक पार्ट्स हमने देखे किसके, सेल के। तो उन बेसिक पार्ट्स में आपके बस यही चीज़ें प्रेजेंट होती हैं एक सेल के अंदर। ठीक है, ये 7 जो बेसिक चीज़ें हैं। बाकी अभी हम देखते हैं आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। ओके, अभी हम क्या देखेंगे बच्चे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में अगर मैं बात करूं अभी किसकी, एनिमल सेल की। पहले हम स्टडी करेंगे एनिमल सेल। ठीक है, तो बच्चे जो इसकी डायग्राम है, डायग्राम में वही सब चीज़ें आएंगी, वही पार्ट्स आएंगे जो हमने अभी ऑलरेडी स्टडी किए। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो ये जो आउटर पार्ट है इसको आप बोलोगे सेल मेम्ब्रेन। ओके, ये है आपका सेल मेम्ब्रेन। और ये जो आपका जेली लाइक मटेरियल है ये है आपका साइटोप्लाज्म, राइट, सॉरी। एंड ये है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो स्फेरिकल शेप है अंदर इसको आप बोलोगे बच्चे न्यूक्लियोलस। एंड ये जो मटेरियल है आपका थ्रेड लाइक मटेरियल उसको बोलोगे क्रोमाटिन। क्या बोलोगे इनको, इनको आप बोलोगे क्रोमाटिन। एंड जो कि क्रोमोसोम्स बनाते हैं, हमने कल स्टडी किया था। ये है बच्चे आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। एंड ये है आपका स्मॉल वैक्यूल। ठीक है, ये क्या है आपका स्मॉल वैक्यूल। क्लियर? तो अगर हम बच्चे अभी स्ट्रक्चर की बात करें, जो कि ये स्ट्रक्चर है आपके एनिमल सेल का, तो आपको पता है कि सेल जो कि एक जाली लाइक मटेरियल से बना है ना, कि मेन इसमें पार्ट क्या है आपका, जाली लाइक मटेरियल। अब वो जाली लाइक मटेरियल किससे एनक्लोज्ड हुआ है, उसको किसने एनक्लोज किया है, उस जाली लाइक मटेरियल को एनक्लोज किया है बच्चे आपके सेल मेम्ब्रेन ने। ठीक है, आउटर पार्ट में क्या है, एक थिन टाइप की मेम्ब्रेन रहती है जिसको आप क्या बोलते हो, जो क्या करता है प्रोटेक्ट करता है आपके सेल को। वो उसको क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो सेल मेम्ब्रेन, राइट। क्या बोलते हो उसको, सेल मेम्ब्रेन। एंड द जेली लाइक मटेरियल विच फिल्स द सेल उसको बोलोगे साइटोप्लाज्म। ये हमने कल भी स्टडी किया था कि जो एक सेल को फिल करके रखता है जेली लाइक मटेरियल से उसको आप बोलते हो साइटोप्लाज्म। क्लियर?
एंड जो एक थिन आउटर कवरिंग होती है सेल की, जो ये पार्ट है जो एक आउटर कवरिंग मिल रही है थिन कलर की, थिन टाइप की आउटर कवरिंग जो एक सेल को मिल रही है वो देता है आपका सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये एक जनरल डायग्राम है किसकी, आपकी एनिमल सेल की। अब बच्चे इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो छोटी छोटी ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये छोटी छोटी टाइप्स की बहुत सारे ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, एक साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो उन सब के फंक्शंस भी आपने पढ़ लिए थे। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो एक फ्लोटिंग बॉडी रहती है यूजली इन द सेंटर ऑफ द सेल, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर, न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये जो आपका न्यूक्लियर मैम्ब्रेन है या फिर न्यूक्लियस है, अब वो न्यूक्लियस क्या करेगा बच्चे, कि उस न्यूक्लियस का मेन फंक्शन क्या होता है कि जितनी भी आपकी सेल के अंदर एक्टिविटीज होती हैं, फॉर एग्जांपल कोई ग्रोथ हो गई या सेल डिवीजन हो गई, सभी टाइप की एक्टिविटीज को जो कंट्रोल करता है एक पार्ट, उसको बोलते हो आप न्यूक्लियस। क्लियर, इसको क्या बोलते हो, न्यूक्लियस। क्लियर, उसको क्या बोलोगे आप, न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस क्या करता है, मैंने क्या बोला कि ये जितने भी आपकी एक्टिविटीज होती है ना बच्चे एक सेल में, फॉर एग्जाम्पल आपका सेल ग्रोथ हो गया, सेल डिवीजन हो गया, इसी तरह सेल की बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, तो उन सब चीजों को ये क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, उन सभी एक्टिविटीज को जो कंट्रोल करता है उसको आप बोलते हो न्यूक्लियस। एंड द न्यूक्लियस में बच्चे छोटी छोटी टाइनी राउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको आप कहते हो न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये जो राउंड है ना, ये न्यूक्लियस के अंदर भी एक राउंड है, फिर ये थ्रेड लाइक है, जो राउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में उसको आप बोलते हो न्यूक्लियोलस। ठीक है, क्या बोलते हो, न्यूक्लियोलस। और जो फाइबरस मटीरियल है उसको बोलते हो क्रोमैटिन। ठीक है, कि जो फाइबरस मटेरियल है उसको आप बोलते हो क्रोमैटिन, और वो क्रोमैटिन क्या होता है, उसमें आपके क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चे, उसमें आपके क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं आपके, क्रोमोसोम। हमने कल पढ़ा था ना क्रोमोसोम के लिए, जो आपके पेरेंट्स के करेक्टरिस्टिक्स जो है वो ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर होते हैं, वो किसके थ्रू होते हैं, जीन्स के थ्रू, है ना। और जीन्स जो है वो किस में प्रेजेंट होते हैं, आपके क्रोमोसोम में। अब बच्चे ये जो ये न्यूक्लियस है ना, इसके आउटर पार्ट में भी एक मेम्ब्रेन होता है जो इसको प्रोटेक्ट करके रखता है, उसको कहते हो आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल के आउटर में एक मेम्ब्रेन होता है जो सेल को प्रोटेक्ट करके रखता है, उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसी तरह न्यूक्लियस के आउटसाइड में भी है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर, अब आपको पता है कि जो क्रोमैटिन है ये, ठीक है, ये फाइब्रस मटेरियल जो है न्यूक्लियस के अंदर, अब ये क्रोमैटिन जो है बच्चे इसमें क्या होंगे, आपके क्रोमोसोम्स बनाएंगे ये ड्यूरिंग, जब सेल की डिवीजन होती है ना, जब सेल की डिवीजन होती है अंदर, तो उनमें क्या होता है कि वो क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम्स बनाते हैं। ठीक है, अब यही क्रोमोसोम्स क्या करती हैं कि पेरेंट्स की जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं। क्लियर, एंड जो आपका साइटोप्लाज्म है और जो आपका न्यूक्लियस है वो एक साथ इकट्ठे होके क्या बनाते हैं, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ठीक है, उन दोनों को एक साथ जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। एंड जो प्रोटोप्लाज्म रहता है बच्चे उसको बोलते हैं लिविंग मटेरियल ऑफ अ सेल। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म को क्या कहते हैं, लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल। ओके, एंड बच्चे इसी तरह नंबर ऑफ स्मॉल बॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं। अब पहले लार्ज बॉडी थी जो थी आपकी न्यूक्लियस, इसी तरह स्मॉल बॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं जिसको आप बोलते हो माइटोकॉन्ड्रिया। ये है जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसका फंक्शन हमने क्या पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनता है बच्चे, उसका फंक्शन होता है कि वो रेस्पिरेशन कैरी आउट करता है। ठीक है, सेल के अंदर भी रेस्पिरेशन होती है, क्यों, सेल क्योंकि एक लिविंग पार्ट है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि रेस्पिरेशन को कैरी आउट करता है, क्यों, क्योंकि उसने एनर्जी को रिलीज करना होता है कहाँ से, फूड से। ठीक है, जो ये फूड बनाते हैं या फूड लेते हैं उसमें क्या आता है कि जब ब्रेक डाउन होती है तो ये क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करते हैं, क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं टू कैरी आउट दी रेस्पिरेशन। क्लियर, सिंस माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है फूड से, तो इसको आप क्या बोलते हो, पावर हाउस ऑफ दी सेल। ठीक है,
कि मेन फंक्शन क्या है इसका, इसका मेन फंक्शन है कि ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है फूड से, फूड से क्या करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, और इसको आप बोलते हो पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लियर। इसी तरह बच्चे जो टाइनी स्पेस प्रेजेंट होती है आपके साइटोप्लाज्म के अंदर एनिमल सेल के, उनको आप बोलते हो वैक्यूल। और हमने अभी पढ़ा वैक्यूल्स का क्या फंक्शन होता है, वैक्यूल्स का ये फंक्शन है कि ये एयर वाटर एंड जितने भी पार्टिकल्स होते हैं फूड के उनको होल्ड करके रखता है। ठीक है, वैक्यूल्स का क्या काम होता है कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं फिर चाहे वो एयर हो वाटर हो या फूड पार्टिकल्स हो, उन सबको ये अपने अंदर स्टोर करके रखता है। बच्चे मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल में वैक्यूल्स नहीं होते, बट कुछ होते हैं एनिमल सेल्स, कुछ में होते हैं और कुछ में नहीं होते। ठीक है, कुछ में जो होंगे वो बिल्कुल स्मॉल होंगे। ठीक है, एंड द सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन शीट ऑफ स्किन ऑल अराउंड द सेल। एंड द मेन फंक्शन बच्चे आपका सेल मेम्ब्रेन का क्या है कि आपको पता है ना, जैसे मटेरियल इनसाइड या आउटसाइड जाता है, ठीक है, जो इनसाइड एंड आउटसाइड आपका फूड मटेरियल या कुछ भी इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल जाएगा, वो किसके थ्रू जाएगा, वो जाएगा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, आपके सेल को प्रोटेक्ट करता है और एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करता है। कौन? सेल मेम्ब्रेन। ओके, एंड द साइटोप्लाज्म क्या है, आपका एक ट्रांसपेरेंट और जाली लाइक सब्सटेंस है, एंड इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन, एंड द फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज टू कैरी आउट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द लाइफ प्रोसेस। ठीक है, ये भी आपको पता चला गया कि साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन होता है, कि जितनी भी आपकी एक्टिविटीज होंगी लाइफ प्रोसेस की या मेटाबोलिज्म को लेके, वो सारी आपकी कैरी आउट कौन करेगा, साइटोप्लाज्म। क्लियर। नेक्स्ट है आपका प्लांट सेल। ये था बच्चे आपका सारा एनिमल सेल के रिलेटेड। अभी देखते हैं प्लांट सेल में क्या होता है। प्लांट सेल के लिए पहले हम इसकी जनरल डायग्राम बना लेते हैं। बच्चे मैंने आपको क्या बोला था कि सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है, सिर्फ आपकी प्लांट सेल में, तो उसके इनसाइड क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये राउंड स्ट्रक्चर जो इसके अंदर, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। एंड जो ये आपका फाइब्रस टाइप मटेरियल है उसको बोलेंगे क्रोमैटिन। क्लियर। एंड ये है आपका लार्ज वैक्यूल। ठीक है, ये क्या है आपका सॉरी लार्ज वैक्यूल। एंड और क्या रह गया इसमें, यस ये आपका जो जाली लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है क्रोमैटिन, एंड क्रोमैटिन के अंदर ही ये सब चीज़ें क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये हो गया क्या बच्चे आपका साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड यस ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर बच्चे, सारी चीज़ें जो हैं वो सेम रहेंगी जो आपके एनिमल सेल में थी, बट कुछ चीज़ें एक दो हैं जो इसमें ज़्यादा होंगी। फॉर एग्जांपल लाइक इसमें लार्ज वैक्यूल्स होंगे, एक इसमें सेल वॉल होगी। ठीक है, यही एक दो चीज़ें जो होंगी वो इसमें ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू बाकी दूसरे में। और ये एक होगा आपका क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर की जो पिगमेंट होगी, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट। तो यही सारा स्ट्रक्चर फंक्शन सबके सेम मैंने आपको बेसिक पार्ट में क्या बताया, मैंने आपको बेसिक पार्ट में इन सब की एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दे दी हुई है ना, कि सेल वॉल क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियर सॉरी
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियोलस क्या है, क्रोमैटिन क्या है, लार्ज वैक्यूल्स क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है. मुझे नहीं लगता कि आप इनको फिर से एक बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने जब बेसिक पार्ट्स आपको पढ़ा है अभी आज एंड पिछले कल के लेक्चर में, उसमें मैंने आपको ये सभी की सारी चीज़ें जो है वो इजीली एक्सप्लेन करके बता दी, अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दी हुई हैं. तो आई डोंट थिंक इसकी अब ज़रूरत है आपको फिर से और कुछ बताने की. तो बस इसमें मेन चीज़ यही है, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट एंड योर लार्ज वैक्यूल्स. ठीक है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट आपके एनिमल सेल में बच्चे प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो है वो आपके प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में, है ना. एंड आपका जो सेल वॉल है वो भी आपका किस में प्रेजेंट होता है, सेल वॉल जो है बच्चे वो भी आपका जो है सेल वॉल वो भी किस में प्रेजेंट होता है आपका, इसी में प्लांट सेल में. ठीक है, तो सेल वॉल क्या करता है आपको पता है कि सेल वॉल प्रोटेक्ट करता है, एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करता है किसी भी सेल को. एंड जो आपका न्यूक्लियस है उसमें क्या होता है आपका कि दो टाइप्स के रहते हैं जीन्स के लिए, है ना, क्रोमैटिन एंड एक आपका रहता है न्यूक्लियर, न्यूक्लियोलस. ठीक है, ये दो चीज़ें रहती हैं. उसके बाद जो जाली लाइक मटीरियल है साइटोप्लाज्म, उस साइटोप्लाज्म के अंदर ही आपके ऑर्गेनिल्स, स्मॉल स्ट्रक्चर्स एंड लार्ज स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. अब इसमें एक लास्ट स्ट्रक्चर में आ जाएगा लार्ज वैक्यूल. ठीक है, अब एनिमल सेल में हमने क्या देखा था कि जो वैक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, बट अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल के जो वैक्यूल्स होते हैं बच्चे वो क्या होते हैं आपके, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि आपका जो जितना भी वेस्ट मटेरियल है या फिर जो डिजोल्व सब्सटेंसेस हैं, डिजोल्व शुगर है या सॉल्ट है, वो सभी चीज़ें आपकी किस में आ जाती हैं, इसी लार्ज वैक्यूल में, है ना. और जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्या करता है कि पिगमेंट प्रोवाइड करता है, ग्रीन पिगमेंट प्रोवाइड करता है आपके लीव्स को. इसी तरह और भी डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स जो प्लास्टिड्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कलर जो है वो प्रोवाइड करते हैं. जैसे अगर हम टोमेटो की बात कर लें तो टोमेटो में रेड कलर होगा तो वो अलग पिगमेंट प्रोवाइड करवाएगा. ठीक है, इसी तरह ये क्या होता है बच्चे, ये है पूरा आपका प्लांट सेल का स्ट्रक्चर. ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कंपैरिजन इन दोनों के बीच में, तो आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कंपैरिजन करके प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बीच में. चलिए अब नेक्स्ट है बच्चे आपका कंपैरिजन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बीच में. अब सबसे पहले अगर हम सिमिलैरिटीज की बात करें, ठीक है, सिमिलैरिटीज क्या रहेंगी इनमें, ठीक है बच्चे, अगर हम सिमिलैरिटीज की बात करें प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बीच में, तो इसकी जो फर्स्ट सिमिलैरिटी है वो ये है कि प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में क्या बच्चे प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, आपने जब इनकी जनरल डायग्राम्स देखी तो जनरल डायग्राम में आपने देखा कि दोनों में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, एंड सेल मेम्ब्रेन को आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो. ओके, ये है आपका फर्स्ट. सेकेंड क्या है आपका कि प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में आपका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है. क्लियर कि प्लांट सेल एंड सॉरी प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में दोनों में साइटोप्लाज्म जो कि आपका जेली लाइक मटेरियल होता है वो दोनों में प्रेजेंट होता है. क्लियर. थर्ड क्या है आपका कि प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. क्लियर, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, ये भी हमने डायग्राम से देखा, ये सिमिलैरिटीज है. एंड फोर्थ क्या है आपका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा. एंड जो आपका फिफ्थ है सॉरी वो क्या है कि प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा. क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया. क्लियर, ये पांच चीजें जो हैं वो क्या है आपकी सिमिलैरिटीज हैं प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बीच में, कि इसमें सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, की ये पांच चीजें सिमिलर हैं प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में, कि ये पांचों चीजों जो है वो प्रेजेंट रहती हैं इन दोनों में.
अब अगर हम बात करें डिफरेंस की, तो डिफरेंस में देखते हैं कौन सी चीज किस में प्रेजेंट है और कौन सी उसके अपोजिट में प्रेजेंट नहीं है, क्लियर। तो अगर हम बात करें डिफरेंस की, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ प्लांट सेल और यहाँ पे हम बनाएंगे इसका डिफरेंस विद एनिमल सेल, ओके। सो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा बच्चे कि जो प्लांट सेल वाली साइड है, एक सबसे पहले कि इसमें सेल वॉल होता है, ठीक है, जिसको सेल मेम्ब्रेन है वो किससे अराउंड हुआ होता है, आपका सेल वॉल से। बट इस केस में आपका सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, ये आपको भी पता है, सॉरी। सेकेंड अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपके प्लांट सेल में आपके लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, बट आपके एनिमल सेल में या तो होते ही नहीं है या तो स्मॉल होंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है आपका कि जो आपके फोटोसिंथेटिक प्लांट होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, और बाकी जो प्लांट्स होंगे उनमें डिफरेंट प्लास्टिड्स प्रेजेंट होंगे, है ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोवाइड करते हैं। बट अगर हम यहाँ पे बात करें एनिमल सेल की, तो यहाँ पे कोई भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कोई कलर की तो किसी चीज में जरूरत नहीं है। तो यही है आपका डिफरेंस किसके बीच में, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बीच में। चलिए बच्चा आज यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।